जैसे कि अभी जस्ट एनडीए की एसएसबी ख़त्म हुई है ना, तो काफ़ी सारे बच्चों को ये सवाल होता है कि सर जनरली कितने दिन के बाद हमारी एसएसबी होती है। ठीक है, तो विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस CDS 1 2024। तो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हुआ था, है ना। उसका जो रिज़ल्ट आया वो महीने के आखिर तक आया, ठीक। तो पूरा मई ख़त्म हुआ और जून में डेट अनाउंस हुई, जून के फर्स्ट वीक में, ठीक। तो यहाँ देखो गैप कितना आया, अप्रैल एंड में रिज़ल्ट आया और पूरा महीना ख़त्म होते होते एक महीने बाद, मतलब रिज़ल्ट आने के एक महीने बाद डेट अनाउंसमेंट हुई और डेट सिलेक्शन लिंक आया। फिर जून एंड और जुलाई में NDSSB डेट चली, और इवन अगस्त के फर्स्ट वीक में भी कुछ एयरफोर्स वाली डेट चली हैं, ठीक है। तो तुम देखो कि जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बीच में करीब करीब एक महीने का गैप आया, और उसके बाद अगले 1.5 महीने तक SSB चली है। तो जनरली क्या होता है कि एक महीना लगता है डेट अनाउंस होने में और फिर SSB चलती हैं अगले 1.5 महीने। अगर मैं इसी के साथ साथ IMA की बात करूं, या जो AFA और ये हमारे OT मतलब CDS की बात करें बेसिकली, तो CDS में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों की बात करते हैं। तो सिमिलरली रिज़ल्ट एक दो मतलब 2 दिन बाद आया था CDS का, जो NDA के बाद, और उसका रिज़ल्ट आने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा होगा। तो 1.5 महीने के बाद जो परमानेंट कमीशन की SSB है वो स्टार्ट हुई, IMA की डेट आई। इवन अभी अगर हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त में अभी भी IMA की SSB चल रही है ना। तो NDA से 15 दिन पीछे इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि परमानेंट कमीशन का प्रोसेस है। और अगर आप OTA की बात करें तो OTA की जो SSB स्टार्ट होंगी वो सितंबर एंड और अक्टूबर में आएंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है, और जैसे ही OTA की CDS वाली SSB की डेट्स आती हैं, उसी दौरान जो SSC टेक है और NCC स्पेशल है वो भी उसी दौरान ही इनकी इंटरव्यू डेट्स आ जाती हैं। अब जो सितंबर वाला एग्ज़ाम होगा, सितंबर वाला एग्ज़ाम 1 सितंबर को है अभी। अब 1 सितंबर को एग्ज़ाम होने के बाद करीब करीब 20 या 25 सितंबर के आसपास तक रिज़ल्ट आ जाएगा, 20-22 दिन में रिज़ल्ट आज की डेट में आ जाता है। एक महीना लगेगा, ठीक है, करीब करीब मान के चलो अक्टूबर के करीब में चला जाता है। नवंबर के आसपास डेट्स अनाउंस हो जाएंगी IMA की, और जो SSB चल रही होंगी परमानेंट कमीशन की, अच्छा NDA की बात कर लेते हैं पहले, तो NDA की भी जो SSB चल रही होंगी वो जनवरी के आसपास में आ जाएंगी, और सिमिलरली IMA की भी SSB उसी दौरान आ जाएगी। फिर जब OTA वगैरह की SSB आती हैं तो उसमें अगेन थोड़ा सा समय लगता है, 2 महीने के आसपास का, और फिर मार्च और अप्रैल में चल रही होंगी तुम्हारा OTA की SSB। तो ये एक प्रोसेस होता है कि 1-1.5 महीना गैप होता है, उसके बाद डेट आती है, डेट आने के एक महीने बाद फिर से SSB स्टार्ट होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है नॉर्मली, ठीक है।